हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन मैथ की बुक का चैप्टर नंबर टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, इसके एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फोर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या गिवन है हमें। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, रेक्टेंगुलर शीट है। सो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ देखो कितनी है, 12.5 है। सो लेंथ में लिखेंगे 12.5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है, 10 2/3। सो विड्थ में आएगा 10 2/3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते पता है ना, अगर कोई भी शेप है तो उसके सभी साइड की हमें क्या करनी होती है, सम करनी होती है। सो पेरीमीटर निकलता है। मतलब क्या, यहाँ पर कितनी साइड है, 1 2 3 4, तो चारों साइड को प्लस करोगे। अब ये जो है 10 2/3 है, तो ये भी कितनी होगी, 10 2/3। अब ये कितनी है, 12.5 है, सो ये भी 12.5 होगी। अब चारों साइड को प्लस करके भी पेरीमीटर निकाल सकते हो। बट हम इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रिथ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी लेंथ क्या है, 12.5 है, और ब्रिथ कितनी है, 10 2/3 है। सो यहाँ पे ये वैल्यू, ये फ्रैक्शन पुट करेंगे और पेरीमीटर निकालेंगे। ईजी है ना। सो इस फॉर्मूला का हमें यूज़ करना है। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेंथ। लेंथ कितनी गिवन है हमें, 12.5। सो यहाँ पे लिखा 12.5 सेंटीमीटर, बट देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में था, इसका यहाँ पर सिंपल किया 25/2। अब देखो ये 25/2 कैसे आता है, ये कितना था, 12.5 था। सो यहाँ पे अगर हम इसे आगे सॉल्व करते तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो ये बनेगा 12 × 2 और प्लस करेंगे इस 1 को, ठीक है। यहाँ पे किया प्लस 1 और डिवाइड करेंगे इस 2 से, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2, कितना होगा, 12 × 2 = 24 प्लस 1 और डिवाइड में 2, कितना बनेगा, 24 + 1 = 25 और डिवाइड में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखो यहाँ पे 25/2 और यहाँ पे भी कितना है, 25/2। इजी है, वैसे सेकंड किया है ये वाला, 10 2/3। यहाँ पे लिखना है 10 2/3, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा, 10 × 3 और प्लस करेंगे इस 2 को, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इस 3 से, कितना होगा, 10 3 = 30 प्लस 2 अपॉन यहाँ पे आएगा 3। 30 + 2 कितने होते हैं, 32 एंड डिवाइड बाय 3। सो यही फ्रैक्शन यहाँ पे गिवन है, 32/3। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। एक मिनट, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 × लेंथ कितनी है हमारी, 25/2 प्लस ब्रिथ कितनी आ रही है, 32/3। अब यहाँ पे देखो इन्हें प्लस नहीं कर सकते, प्लस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे। अब 2 और 3 का यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, तभी तो डिनोमिनेटर सेम बनेंगे। सो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते। सो यहाँ पे 2 × 3 कितना होता है, फिर 6 होता है, तो 6 ही इनका एलसीएम है। इसका मतलब क्या कि हमें इस 2 को 6 बनाना है और इस 3 को भी 6 बनाना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 2 × ब्रैकेट में लिखेंगे 25 और 2 है, ठीक है, 25/2। 2 6 कब बनेगा, जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर में 3 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड फ्रैक्शन पे आते हैं, 32/3, फिर से 3 कब बनेगा, 6, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 को भी 2 से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी इसकी, यहाँ पे लिख लेते इसे, मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 2 × 25 3 कितना होता है, 3 5 = 15 के 5 कैरी 1, 2 3 = 6 + 1 = 7 अपॉन में कितना आएगा, 2 3 = 6 प्लस। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फ्रैक्शन, ठीक है, 2 2 = 4 और 2 3 = 6 अपॉन में क्या आएगा, 3 2 = 6।
अब देखो इन्हें प्लस कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अभी 6 मतलब सेम है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, 2 मल्टीप्लाई 75 प्लस 64 और डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 7 प्लस 6 कितने होते हैं, 13 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 वन ज़ा 2 एंड 2 थ्री ज़ा 6, सो कितना बच रहा है, 139 अपॉन 3, ठीक है। अब इस 139 और 3 को यहाँ पे, क्योंकि 139 बड़ा है 3 छोटा है, सो यहाँ पे डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल सकते, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड तो होगा नहीं। देखते हैं इनका डिवाइड कैसे होगा, 139 को डिवाइड करना है हमें 3 से, तो यहाँ पे 3 फोर ज़ा 12 और ये बचेगा 1, ठीक है, 13 माइनस 12 1, 9 को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, फिर होगा 3 सिक्स ज़ा 18, सो फिर से 1 बच रहा है। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगा, किसका, 139 अपॉन 3 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन रहा है, कोशेंट कितना है देखो, 46 आया, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे 46, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 ऊपर जाएगा, और डिवाइड किससे किया, 3 से, सो 3 आएगा यहाँ पे पेरीमीटर, फिर यहाँ पे देखो 46 एंड 1/3 इज़ द पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर शीट, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी थी, 25/2, सो यहाँ पे लिखा 25/2 प्लस ब्रेथ कितनी थी, 32/3, सो यहाँ पे लिखा 32/3। फिर क्या करना था हमें, इनके जो डिनोमिनेटर है इन्हें सेम बनाना था, सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 2 को 6 बनाना था, सो हमने 2 से 3 को, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ किया, बराबर है। अब 3 से डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 25 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर हो गया। मतलब ये इसी फॉर्म में है, देखो 25 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसा ही है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन यहाँ पे 32/3 था, 3 को 6 बनाना था, सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, सो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, 2 मल्टीप्लाई 25 3 ज़ा 75 एंड 2 3 ज़ा 6, फिर ये आएगा प्लस एंड देन 32 2 ज़ा कितना होगा 64 और 3 2 ज़ा 6। अब दोनों के डिनोमिनेटर 6 हो गए, सो इन्हें प्लस कर सकते, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 75, ठीक है, ये न्यूमरेटर प्लस ये न्यूमरेटर 75 प्लस 64 और डिवाइड किससे करेंगे 6 से, सो कितना आएगा, 75 प्लस 64 होते हैं 139 और ये आएगा 6 यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे क्या किया है, 2 वन ज़ा 2 एंड 2 थ्री ज़ा 6, सो बचा कितना 139 अपॉन 3, और फिर इस 139 अपॉन 3 का मिक्स फ्रैक्शन निकाला, कितना आता है 46 एंड 1/3 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। सो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, Hence, the perimeter of the sheet of paper is 46 and 1/3 centimeter. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।